या गन्ने का होता है, धान का होता है, और भी अन्य चीज़ें हैं वहाँ, मेघनीज होता है, और हाँ बहुत सारी बातें हैं। उस हिसाब से रोजगार नहीं है जो रहना चाहिए। यहाँ पे चाय बन रही है ना, ये यहाँ पान ठेला और चाय ये काफी चलता है। हाँ ठीक चलता है गांव के हिसाब से, गांव के हिसाब से, गांव के हिसाब से ठीक है। काफी लोग आते हैं पीने के लिए कि ठीक ठाक आ जाते हैं? नहीं ठीक ठाक आ जाते हैं। कितनी बिक जाती है दिन भर में? दिन भर में वही दो चार लीटर, दो चार लीटर, तीन लीटर, तीन लीटर, तीन से चार लीटर। तीन से चार लीटर यानी क्या लीटर दूध मिलता है? क्या वही अभी चालीस रूपए, चालीस रूपए, चालीस से पचास। अच्छा तो चालीस से पचास यानी कि चार लीटर अगर, तो दो सौ रूपये का आप दूध अगर खरीदते हैं तो कितने का बेच लेते हैं चाय? अब दो लीटर में समझ लो सर। किस भाव से बिकती चाय? पाँच रूपए। पाँच रूपए कब? पाँच रूपए बहुत जगह तो दस रूपए और बीस रूपए चल रही है। नहीं नहीं यहाँ पाँच रूपए ही चल, पाँच रूपए। अच्छा कितनी चाय होती? थोड़ी सी यानी इसके बराबर है ना थोड़ी चाय? हाँ इससे आधी मिलती है, इससे आधी, इस ग्लास में आधी चाय है ना। तो ये चाय आप पाँच रुपए में बेचते हैं तब भी कितनी बिक जाती है? समझ लो तीन लीटर दूध का समझ लो सर। तीन लीटर दूध? हाँ हाँ अच्छा तीन लीटर, तीन लीटर दूध का आप चाय बना पाते हैं? अच्छा तो ये वाले एक जन फिर भी कितना कमाई हो जाती है? वही अपनी रोजी रोटी निकल जाती है, रोजगार अंदाजा हो जाता है हजार दो हजार रूपए का, हजार दो हजार रूपए का धंधा हो जाता है। एक दिन में आप इतना कमा लेते हैं? नहीं नहीं कमाई नहीं, जो पूरा धंधा होता है कमाई तो दो तीन सौ रूपए हो ही जाता है, दो तीन सौ रूपए कमाई होता है, बाकी तो जो है लागत और तमाम सारी जो चीजें। तो चाय वो क्यों बेच रहे हैं? आपने कोई नौकरी वोकरी कुछ इस टाइप का? सर पढ़े लिखे नहीं ना उस, आप पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो अब क्या करें? आठवीं नौवीं। यहाँ स्कूल नहीं है? स्कूल है ना जी। अच्छा आठवीं तक के है? सिर्फ आठवीं तक? हाँ आठवीं तक स्कूल है इसलिए आठवीं तक पढ़े, या नहीं, आपको नहीं, पढ़ना ही नहीं था आगे? नहीं नहीं आगे पढ़े ही नहीं हम, ऐसा ऐसा नहीं है, पढ़ना था पर पढ़े ही नहीं, गए जा नहीं पाए। कारण क्या था? कारण वही है, नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए। अच्छा तो ये अब चाय बना के आप गुजर बसर कर रहे हैं, कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में है सर हम चार छह लोग हैं, छह लोग, छह लोग हो जाता है, बाकी सब लोग कुछ नहीं, बाकी लोग सब लोग करते हैं ना कोई खेती किसानी में, सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग काम करते हैं। तो आपने इसको एक रोजगार के तौर पे चाय को अपना लिया है, तो ये जो कहते हैं कि चाय का रोजगार दिया है मोदी जी ने, तमाम सारे रोजगार जो दिए हैं तो इसको भी रोजगार में गिनती कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये भी अपने आप में रोजगार है या सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, क्या कौन सा अच्छा है? कोई ना कोई रोजगार होना जरूरी है, ये भी अपना रोजगार ही है समझ लो। अच्छा। जो अपना व्यक्तिगत रोजगार, ये भी आपका रोजगार है। अच्छा। तो आपके हिसाब से जो इस वक्त सरकार चल रही है कर रही है, जो काम हो रहे हैं, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं नहीं कई कुछ कुछ कमियां भी है काम की, और कुछ काम बराबर भी है, दोनों है। अच्छा कौन से बराबर काम? जो भी अभी जो स्कीमें मिलती है नई नई वो भी ठीक है। आपको पता है अभी देखो लाडली बहना वगैरह ये वो ये सब, और रोजगार की कमी भी है, कई लोग बेरोजगार है, हमको तो मिल रहा है पर कई रोज बेरोजगार है, जो यहाँ के हिसाब से जैसा ये होता है उत्पादन या गन्ने का होता है, धान का होता है, और भी अन्य चीजें है वहाँ, मेघनीज होता है, और बहुत सारी बातें है। उस हिसाब से रोजगार नहीं है जो रहना चाहिए, जो अपने यहाँ से कच्चा माल जाता है दूसरे जिले में दूसरे राज्य में, उस हिसाब से नहीं हो पाता, ऐसा रोजगार की कमी है थोड़ा, रोजगार की कमी। हाँ। आपको भी लगता है कि रोजगार सबको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप क्या करते हैं? आप भी यहीं के? नहीं हम बोनकट्टा, बोनकट्टा इसी क्षेत्र के, आप इधर इस गांव में आए हुए हैं? बार मई के पर जा रहे, जाते जाते रास्ते में आपने चाय पी ली। कुछ और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या करते हैं आप लोग भाई? क्या क्या करते हैं आप लोग इस गांव, यहीं के रहने वाले? क्या क्या करते हो आप लोग? बस क्या काम करते हैं? रोजगार, रोजगार क्या काम करते हैं? मिस्त्री काम, मिस्त्री काम करते हैं। हाँ सर। अच्छा आप भी? हाँ वो आप। अच्छा आप लोग भी सब? ये तो स्लेब चालू है सर हमारे, स्लेब का काम आप लोग कर रहे हैं सर जी। अच्छा अच्छा तो कितनी मिलती है क्या सर मजदूरी आपका जो ये मजदूरी? ढाई सौ रूपए, ढाई सौ रूपए सर, ढाई सौ रूपए इतने पर्याप्त है? कब पर्याप्त है सर? इतने में हो जाता है काम? हो जाता है सर, गवर्नमेंट की तो अभी एक से एक योजना निकली है, फायदे मिल जाते हैं, राशन पानी मिल जाता है। अच्छा लाडली बहना मिल रही है।
अच्छा, तो मतलब खुश हैं आप? खुश है सर, सरकार से खुश हैं आप? खुश है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार फिर से आनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए सर, शिवराज मामा की आनी चाहिए। शिवराज मामा की आनी चाहिए, मतलब खुश आप? खुश है हाँ सर, खुश है। कौन कौन से अच्छे काम किए सरकार शिवराज जी? किसान निधि मिल रही है सर, अभी रोजगार भी, अभी जैसा बालाघाट क्षेत्र है इसमें तो रोजगार की कमी नहीं सर। अच्छा, अभी तो किसान चाय वाय जो बना रहे हैं वो कह रहे थे कि रोजगार की कमी है सर, करने वाले को है सर, नहीं करने वाले भागते नागपुर में। नहीं, रोजगार को आप कौन से रोजगार को मानते हैं, जो मजदूरी है ये सब मिल रहा है ये अपन तो लिखे पड़े है ही नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट ड्यूटी मिल ही नहीं सकती है ना। पढ़ाई लिखाई की होते तो मिलती। हाँ, पढ़ाई लिखाई, लोग पढ़े लिखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे तो उनको नहीं सर। आज शिवराज मामा का अगर रहता जमाना तो आज लिखे पढ़े हुए रहते, उस समय में घर की परिस्थिति सब डाउन थी। अच्छा, बराबर लिखा पढ़ाई नहीं हुई अपनी। अच्छा, इस कारण से आप? हाँ जी। तो अगर तब भी मामा होते तो शायद अच्छा होता। मामा अगर होते तो आज भी पढ़े लिखे, दसवीं से बारहवीं के ऊपर भी पढ़ लिए रहते, इतनी सुविधा मिलती है ऐसी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपको भी स्कूटी मिल जाती? फिर स्कूटी मिल जाती है। हाँ। तो फिर आप भी बाहर पढ़ने जा सकते थे। तो आपको क्या नाम है आपका? मुरलीधर परमानंद राउत, ग्राम अंजनगिरी। तो राउत जी आपका पूरा समर्थन शिवराज सरकार को है? हाँ सर। तो फिर से शिवराज सरकार आएगी ऐसा कह रहे हैं? हाँ सर, चाहे रोजगार हो या ना हो। हाँ। ये कुछ जो यहाँ पे मजदूर वर्ग है जो कि इस वक्त स्लैब में काम कर रहे हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के काम में ये लगे हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन के काम में इनको 250 रुपये रोजी मिलती है और ये इसमें खुश है, इनको लगता है कि इस बार भी जो है सरकार वही रहनी चाहिए।